Second day in Gokarna, and right now I'm sitting in the balcony of our room. And today was a plan to go to Murdeshwar, but then finally we cancelled the plan because it's really hot here. So we thought, why not go Murdeshwar tomorrow and then continue the journey to Hubli. So today we are going to Gokarna temple. There's this prasadam there daily, or there's lunchtime, like you can go there and have your lunch. That's a free prasad. So we are going there to have lunch. I wanted to taste that, you know, because I have heard that the sweet is really tasty over there. So we are going there, and then I'm going to my dad's village, and after that we'll just have some rest, and then evening we are going to Gokarna beach or maybe some other beach, let's see. So yeah, I'm just sitting in the balcony and then enjoying the view, like seeing all the village people just walking around, and many foreigners are here. Those are hippies. They're here right now. Is the time जब ये सारे लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि समर है, ये भी समर स्टार्ट होने वाला है अभी से. तो इसलिए दे कम हियर टू चिल एंड देन रेस्ट कम्प्लीटली. सो या चलो चलते हैं, मैं आपको प्रसाद दिखाती हूँ कैसा होता है. सो जब आप एंटर करोगे फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा वाला कुछ टिकट देंगे जिससे आप अंदर जाकर प्रसादम ले सकते हो. इस टाइम अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे फ्री खाना खा सकते हो, और रात को 7:30 to 8:30 भी होता है यहाँ पे. खाने में राइस और सांभर एंड एक पायसम था. ठीक खाना था, मतलब एक टाइम आप पेट भर कर खा सकते हो ऐसा था. और कितने भी सर्विंग्स ले सकते हो, इट्स नॉट मिनिमम टू वन सर्विंग. सो हाँ, यहाँ आ सकते हो, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो खाने का फ़ोटो भी नहीं ले सकते ना वीडियो बना सकते, तो वो एक पॉइंट ध्यान में रखना है. यहाँ पे बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं, जैसे कि ये वाला मेरे पीछे. बट आई वुड रिकमेंड, जब भी आप ऐसे टूरिस्ट जगहों पे आते हो तो टैटू मत बनवाओ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ. पता नहीं नीडल स्टरलाइज होती है कि नहीं, वेदर दे यूज़ द न्यू नीडल और नॉट, तो बहुत कुछ घोटाला हो सकता है यहाँ पे. सो आई वुड रिकमेंड डोंट डू इट. अपने ओन सिटी में, जैसे बैंगलोर इंदौर तो बेस्ट है टैटूज़ के लिए, तो वहाँ पर वगैरह करा लीजिए. ये वाले पे नॉट रिकमेंडेड. ये हैं, इसको लोबान बोलते हैं हम. इसको आप आग पे कोलसे के ऊपर डालोगे तो अलग अलग फ्लेवर्स के हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी रंग का ले सकते हो. और इससे बाल भी सुखाते थे पहले के ज़माने में, अभी भी कुछ कुछ लोग करते हैं विलेजेस में. एंड ये जब बच्चा पैदा होता है, छोटे बच्चों को और लेडीज़ को भी ये वाला देते हैं, इसका वाम्प देते हैं, जैसे कि स्टीम. फिश मार्केट हियर इन गोकर्णा. See the fish. This is how they sell fish here in Gokarna. And that's the one. अभी हम जा रहे हैं हमारे पापा के एंसेस्ट्रल घर पे, जो कि बहुत साल पुराना वाला घर है. तो कुछ ऐसे रास्ते से गुजर कर जाना पड़ेगा, देखिए ऐसे. एंड बहुत ही एक्साइटिंग लगता है मुझे जब भी यहाँ आती हूँ मैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक नाइस, नेचर के बीच में रहते हैं हम, एकदम रिजॉर्ट फीलिंग आती है. जहाँ हम इतने पैसे दे के जाते हैं, यहाँ पर फ्री हमारे घर वालों का ये, बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा, और बस दिन में 2-3 बार ही आती है, तो इससे ना रहना मुश्किल हो जाता है. तो 1-2 दिन के लिए इट्स नाइस, बट उसके बाद शायद यू आर सो यूज्ड टू ऑल द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपको नहीं लगेगा कि आप कंटिन्यूस यहाँ रह सकते हो. तो बिजली भी जाती है कभी कभार, सो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट यू नो, जब हम इतने अच्छे अभी जगह पे रहने के बाद. तो अभी मैं आपको वो एंसेस्ट्रल घर दिखाती हूँ जो अभी मैं जा रही हूँ. और यहाँ पे देखिए, ऐसे वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि गेट, इसमें से, इसको पगार बोलते हैं. कहाँ है, इसको पगार बोलते हैं. तो इसमें से आपको क्रॉस कर कर जाना पड़ेगा. ये देखिए, ऐसे कुछ ऐसे, इस तरीके से नीड टू क्रॉस दिस. यही होता है जो दो घरों के बीच डिवाइड करता है दो घरों को, और उसके बीच में से ही आपको जाना पड़ता है. एंड लुक एट दिस नेचर ब्यूटी, यू कैन ओनली हियर द बर्ड्स चर्पिंग एंड ऑल दैट, यू नो, आपको और कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे. एंड बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह के भी यहाँ पे पेड़ हैं, ये देखिए. एंड वेल का पानी पीते हैं अभी भी, यहाँ पे टैप वाटर वगैरह नहीं है, इट्स प्योर वेल वाटर. सो कुएँ बहुत सारे हैं यहाँ पे. एक कुआं आपको दिखाती हूँ जो कि यहीं है.
जी ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एक और हमारे घर का कुआं उधर है, वो भी आपको दिखाऊंगी। सो दैट्स द हाउस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वो वाला घर है, मेरे पापा वगैरह यहीं पे बड़े हुए हैं। तो ये एक घर है और उसके अपोजिट में ये एक और घर है, तो ये दोनों घर हैं यहाँ पे। एंड ये पूरा वरांडा जो बोलते हैं खेलने के लिए होता था ऐसा है, और ये अंदर कैसा दिखता है दिखाती हूँ आपको। एंड ऐसा दिखता है कुछ बाहर, सारे पेड़ पौधे, एकदम प्योर नेचर। अब यहाँ कोई रहता नहीं है तो कुछ ऐसा हो गया है ये घर। एंड पहले के ज़माने में कुछ ऐसे हुआ करते थे, जैसे आप देख सकते हो ये दूसरे रूम को जाने का रास्ता है, बट यहाँ पे इसके नीचे वो लोग कुछ कुछ छिपा के रखते थे। एंड देन दिस वाज लाइक अ सेफ्टी लॉकर फॉर इन ओल्डन डेज, जैसे इसके ऊपर ऐसे रख कर यहाँ पे फिर सामान रख देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे सब कुछ छिपा हुआ है। तो पता नहीं अभी भी कुछ खजाना होगा। डैड यू वांट टू चेक सम खजाना? स्कैर्ड टू चेक ऑल द प्रॉपर्टी हियर। ग्रैंडफादर यूज्ड टू कीप सम खजाना। ओके, सो अभी तो हमने शायद ये हंडा ही था नीचे जिसमें खजाना था, बट अब ये निकल चुका है। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, ये सच नहीं है, बट यहाँ पे जो रखते थे चीजें वो सच है, बट इसमें खजाने की बात थोड़ी बहुत ऐसी फेंक दी मैंने कुछ। यस मॉम, क्या आर यू एक्साइटेड? Somewhat excited. Doesn't look so. I'm okay. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टीक वुड का घर पेड़ भी दिखाती हूँ। तो ये जो आप पेड़ देख सकते हो यहाँ पे जो है, ये वाला टीक वुड का पेड़ है, और हमारे घर की जो ये घर है उसकी वेल यहाँ पर है। That's the well I was talking about. ये देखिए ये वाली वेल है, और इसमें पानी है अभी भी, तो देख सकते हो आप पानी। मैं बहुत बार बचपन में ये वाला पानी पीऊँ, क्योंकि हम यहाँ रहने आते थे मेरे दादा के घर, तो तब पीऊँ। और ये वाली वेल है, और ये होता है जिससे वेल रस्सी डालकर पानी निकालते हैं इससे। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी सच थिंग्स। और वहाँ पे पीछे मेरी एक और आंटी का घर है, वहाँ पे भी शायद कभी कभार ही आते हैं कोई लोग। सो नाइस, हर जगह जैक फ्रूट के पेड़ हैं, और जो दालचीनी होती है ना उसका भी पेड़ है यहाँ पे, जिसको बेलीफ बोलते हैं। सो वी हैव दैट ट्री एज वेल। सो लुक एट दिस हाउस, आई थिंक वी शुड एक्चुअली मेंटेन ऑल दिस प्रॉपर्टी एंड देन रेनोवेट, एंड देन बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा ये। सो यस, इस जगह पर आने के बाद एक डायलॉग तो बनता है जो कि है हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर, क्योंकि यहाँ जब भी आती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस, बहुत मज़ा आता है। तो उसके लिए उरी का डायलॉग तो बनता है जो कि बेस्ट लगता है, सिचुएशन के साथ मैच करता है, जो कि मेरा अभी जोश है राइट नाउ जैसा है उसके लिए। तो ये देखिए, मैंने कभी ये बचपन में ट्राई नहीं किया है, तो आज पहली बार कर रही हूँ इसको। कनाडा में कैटी बोलते हैं शायद, इसको इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं शायद, एंड कनाडा में कैटी बोलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ट्राई करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा ये, लेट्स सी। बहुत टेस्ट जाता है, मतलब फील होता है आपके हाथ। एक और ट्राई करते, मैं ऐसे ही पत्थरों से ट्राई कर रही हूँ, तो एक और ट्राई करते हैं, लेट्स सी। इसमें से आपको एम करना होता है, ये वी में से शायद। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, आपको भी ट्राई करना चाहिए। मैंने बचपन में खेला नहीं है सब कुछ, नाइस। ये देखिए, ये जो स्कूल दिख रही है, मेरे पापा की स्कूल है, वो यहीं पे पढ़कर बड़े हुए थे, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये सब देखने में मज़ा आता है। राइट नाउ अभी मैं गोकर्णा बीच पर हूँ, शाम का टाइम है, और मेरे पीछे वो सारे स्टॉल्स दिख रहे होंगे आपको, वो सारे स्टॉल्स कुछ स्नैक्स वगैरह के हैं, और लाइटिंग बड़ी कम है यहाँ पे, सिर्फ ये दो फोकस लैंप है और आगे एक दो है, बट आपको बीच दिखेगा नहीं, बस आवाज़ आएगी। नॉट बैड कैनन, ये कैप्चर कर पा रहा है, बट बहुत अंधेरा, इट्स रियली डार्क। सो I'm not willing to go nearby the water because I'm really scared to go in the water when it's dark, daytime as well. मैं बहुत कम जाती हूँ पानी के पास। तो अभी हम यहाँ जस्ट, हवा बहुत प्यारी हवा चल रही है, तो हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे एंड जस्ट चिलिंग। और इसके बाद अब जाकर खाना खाएंगे हम, जो कि है फिश का खाना। माय गॉड,
मैं डर गई। तो अभी जाकर हम फिश का खाना खाएंगे और उसके बाद कल सुबह हम देखेंगे कि क्या प्लान्स हैं। एक्चुअली प्लान तो ये है कि मुर्डेश्वर जाना है, बट देन डिसाइड होगा कल ही। तो यस, दैट्स द व्यू। शाम को ज़्यादा लोग नहीं है, गोकर्ण बहुत जल्दी बंद हो जाता है, लाइक अराउंड 9:30 सब कुछ बंद हो जाता है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आई मीन लाइक कुछ हैपनिंग नहीं दिखेगा। तो हाँ, अगर आपको कुछ हैपनिंग चाहिए जगह है तो कुडले या फिर ओम जा सकते हो, वहाँ पे मतलब बार वगैरह कैफेज खुले रहते हैं। तो लेट्स गो। अब और टुडे वी हैव कम टू गंगावली विच इज 6 kilometers अवे फ्रॉम गोकर्ण, सो यू कैन जस्ट आस्क एनी बडी ऑन द वे वे इज गंगावली, सो दे माइट गाइड यू। एंड वेन यू कम हियर यू कैन सी सच काइंड ऑफ बार्ज, दिस बार्ज गोज डायरेक्टली टू अंकोला सिटी, सो यू कैन पुट योर कार व्हीकल्स एनीथिंग इन दिस, सो नाइस इज इट, सो यू कैन पुट कार्स और योर व्हीकल एनीथिंग एंड देन यू कैन गो डायरेक्टली टू अंकोला। I'll just tell you the cost for this. I'm not really sure right now because we haven't still taken the ticket. So we are going to put our car in and then we are going directly from here to Ankola and then from Ankola to Hubli. So yeah, let me show you the barge. Okay, so this is my car. So now we are putting the car directly inside the barge here. एकदम पहले छोटी बोट हुआ करती थी यहाँ पे सिर्फ लोगों के लिए, but अभी cars भी जाती हैं और लोग भी जाते हैं। सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे आपकी कार चढ़ेगी और हम इस बाज में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए चढ़ते हैं बाज में एंड इट लुक समथिंग लाइक दिस। ये गंगावली रिवर है, तो जब भी आप आओ यहाँ पे डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। बचपन से आती हूँ मैं इस जगह पर गंगावली। देखिए सो अभी तक हमने टिकट नहीं निकाला बट कार पहुंच गई है, अभी हम वेट कर रहे हैं इस बाज के छूटने का। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देख सकते हो पीछे सीटिंग है और यहाँ पे व्हीकल्स पार्क हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे, बहुत तेज़ धूप है मगर फोटोज़ एकदम बढ़िया प्यारे आ रहे हैं क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। सो हाँ, एक बार तो ज़रूर आना अगर गोकर्ण आ रहे हो तो इस बाज पे, अच्छा लगेगा। मतलब गोवा जाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि गोवा में जाकर ही बाज का एक्सपीरियंस करें, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। कार के लिए 25 rupees है और ईच पर्सन के लिए 5 rupees है, तो इट्स क्वाइट बजट फ्रेंडली भी है, बहुत सस्ता है, अंकोला तक जा सकते हो आप इससे। तो 25 rupees इज़ नॉट अ बिग डील फॉर कार एंड 5 rupees तो हम ऐसे ही उड़ा देते कहीं पे, तो आप इसमें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इस बाज में। गेट द सीनिक ब्यूटी, यहाँ पे कितना सुंदर है, और वो पहाड़ देख सकते हो आप कितना सुंदर है। इस पहाड़ के उस पार मेरे पापा का गांव है जो कि मैम ने आपको ऑलरेडी कल दिखाया है, तो वो गांव उस तरफ है। तो हम पहले यहाँ से बोट में जाया करते थे वहाँ की तरफ, मगर अब इतनी बड़ी बार्ज है और हम अंकोला जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, एक स्मॉल करेक्शन है जो कि है, वहाँ से हम जो बार्ज में इस साइड आए हैं पानी के, तो यहाँ से अंकोला जो है वो सिर्फ 7 kilometers है, मतलब काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है। जो आप रोड से अंकोला जाते हो उससे काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो उस वजह से बाज लेना बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ओनली 7 kilometers इज़ नॉट अ बिग डील। क्योंकि आप जैसे गोकर्ण से आ रहे हो तो इट्स जस्ट लाइक अराउंड 9 kilometers में आप पहुँच जाते हो, तो उस वजह से ये बहुत नज़दीक में है। अभी दोस्तों घर पहुंच गए हम लोग सेफली एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। अभी जस्ट फ्रेश हुई हूँ नहाकर, तो बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद ऐसे ट्रैवल करके फैमिली के साथ। लास्ट 7 months के बाद हमने ट्रैवल किया है, तो अभी खाना बनाएंगे और खाना खाकर सो जाएंगे। घर का खाना मिस कर रहे थे इतने दिनों के बाद, सो अभी कुछ मम्मी बना रहे हैं खाना, वो खाना खाकर सो जाएंगे। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके सो या सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।